हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पर कॉमर्स से रिलेटेड सारे एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो अगर आप कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी कॉमर्स हो, चाहे वो आपका एनटीए यूजीसी नेट हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी, ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम एनटीए यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आए हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये आपका फोर्थ पार्ट होगा। इससे पहले मैं तीन पार्ट और डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वो भी आप देख लीजिएगा, तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे और आपको एग्जाम में हेल्प भी मिलेगी, ठीक है? तो ये पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो हो सकता है ये रिपीट भी हो सकते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो ये सीरीज आप मिस मत करिएगा, ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाई, यानी कि प्राप्ति तथा भुगतान लेखा किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला है आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, यानी कि निर्माणी प्रतिष्ठान द्वारा। दूसरा है आपका नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, गैर व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा। तीसरा है आपका ट्रेडिंग कंसर्न, यानी कि व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा। और चौथा है आपका कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। तो अगर हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स की बात करें, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कंपनियां जो है बनाती हैं, ठीक है, या ऐसे बिजनेसमैन बनाते हैं जो कि नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, यानी कि हम शॉर्ट में बोल सकते हैं एनपीओ। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता बल्कि सोशल वेलफेयर करना होता है, जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न होती है, वो आपकी क्या करती है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स बनाती है। बाकी सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, ठीक है? तो इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, इसलिए ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ गैर लाभकारी संगठन का आय तथा व्यय खाता होता है, ठीक है? तो यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका अकाउंट कौन कौन सा होता है इसमें से। तो पहला ऑप्शन है रियल अकाउंट, दूसरा है नॉमिनल, तीसरा है पर्सनल, चौथा है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है? तो अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करें, तो पर्सनल अकाउंट तो इसमें आते नहीं है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट तो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव भी आपके पर्सनल अकाउंट में ही आ जाते हैं, ठीक है? तो ये दोनों तो हो नहीं सकता। अब रियल अकाउंट्स में हम एसेट्स की बात करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे रियल अकाउंट भी नहीं हो सकता। तो अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करें, तो वो हमारे नॉमिनल अकाउंट्स ही उसमें आते हैं, ठीक है? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स में हम इनकम एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो इसलिए बी आंसर हमारा हो जाएगा, यानी कि गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाए जाने वाले आय व्यय खाता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नाम मात्र खाता या नामांकन खाता नॉमिनल अकाउंट की प्रकृति का होता है। मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है, ठीक है? यह खाता व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाए जाने वाले लाभ हानि खाते के समकक्ष होता है, ठीक? चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसीप्स इज ऑफ रेवेन्यू नेचर, यानी कि निम्नलिखित प्राप्तियों में से कौन सी आयगत प्रकृति की है, कौन सी ऐसी ऐसा ट्रांजेक्शन है जो रेवेन्यू नेचर का है। तो पहला ऑप्शन है अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेशों की बिक्री से प्राप्त धनराशि। दूसरा है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश पर प्राप्त लाभांश। तीसरा है आपका अमाउंट बोरोड फ्रॉम अ बैंक, बैंक से ली गई उधार धनराशि। चौथा है कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर द एक्वाजेशन ऑफ लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। तो यहाँ पे तो रोड कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बैंक से अमाउंट निकाला तो वो हमारे लिए एसेट्स हो जाएगी, वो भी नहीं होगा। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारा रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन है, ठीक है? लेकिन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा कैपिटल नेचर का है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो हमारे रेगुलर नेचर के होते हैं, ठीक है? तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। आयगत प्रकृति की प्राप्ति का आशय उन प्राप्तियों से होता है जो सामान्य व्यवसायिक क्रियाओं से उत्पन्न होती है, ठीक है? यानी कि डेली के जो आपके बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं वो कहलाते हैं। आयगत प्राप्तियां आवर्ती स्वभाव, रिकरिंग नेचर, यानी कि रेगुलर नेचर की होती है,
अर्थात बार बार प्राप्त होती है। आयगत प्राप्तियों को लाभ हानि खाते में आय के रूप में दिखाया जाता है। प्रमुख आयगत प्राप्तियां इस प्रकार की होती हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि स्टॉक की हानि के संबंध में प्राप्त, माल के विक्रय से प्राप्त राशि, रियल एस्टेट के व्यापारी द्वारा भवन भूमि की बिक्री, सरकार से प्राप्त निर्यात संवर्धन हेतु सब्सिडी, ठीक है, बैंक में जमा राशि या निवेश से प्राप्त ब्याज, इंटरेस्ट ऑफ फ्रॉम बैंक है। तो ये सारे आपके रेगुलर नेचर के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि गैर परिचालन व्यय निम्नलिखित में से कौन से है। ऑपरेटिंग नहीं, नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, दूसरा है डेप्रिसिएशन, तीसरा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, चौथा है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और आपका डेप्रिसिएशन, ये सब तो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम मैनेजिंग डायरेक्टर को सैलरी दे रहे हैं, यानी कि प्रबंधकीय निदेशक को वेतन दे रहे हैं, तो वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये आपका यूजीसी ने दिसंबर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। गैर परिचालन व्यय यानी कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंतर्गत प्रबंधकीय निदेशक के वेतन को शामिल किया जाता है। गैर परिचालन व्यय का आश्रय ऐसे व्ययों से होता है जो प्रत्यक्ष रूप से परिचालन कार्यों से संबंधित नहीं होते। तो जो आपके ऑपरेटिंग वर्क्स से रिलेटेड नहीं होते, वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये संबंधित नहीं होते आपके परिचालन कार्यों से, इसलिए इनको हम नॉन ऑपरेटिंग या गैर परिचालन व्यय कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूजीसी नेट एग्जाम 2019 में पूछा गया। ए सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट इज मोर सुटेबल फॉर अ लीजी हैविंग, तो बिक्री और पट्टा वापसी व्यवस्था उस पट्टाधारी के लिए उपयुक्त है। तो पहला हमारा लिक्विडिटी क्राइसिस, दूसरा है सरप्लस फंड, तीसरा है आपका हाई प्रॉफिट, चौथा है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारी जो लिक्विडिटी क्राइसिस है, यानी कि जो तरलता संकट से गुजर रहा है, उसके लिए सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट ज्यादा सुटेबल होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बिक्री और पट्टा वापसी व्यवस्था उस पट्टाधारी के लिए उपयुक्त होता है जो पट्टाधारी तरलता संकट की स्थिति से गुजर रहा है, यानी कि लिक्विडिटी क्राइसिस से जो आपका गुजर रहा है उसके लिए ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।